हे गाइस, मेरा नाम शिवम है और स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे B12 के बारे में। तो B12 और वीगनिज्म का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब भी वीगन्स की बात होती है तो B12 पे ज्ञान कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर मिल जाता है। तो हमें ऐसे ज्ञानी लोगों से बच के रहना चाहिए और अपने आप को एजुकेटेड रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं अपना रिजल्ट B12 का जो मेरा आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। तो ये काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, इसमें 3-4 चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी B12 की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटेशंस जो इंडिया में अवेलेबल है, और उसके बाद हम बात करेंगे B12 के टेस्ट के बारे में कि उसका प्राइस कितना होता है और उसको मेजर कैसे करते हैं, और लास्ट में मैं खुद का B12 का रिजल्ट शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली इनटेक के बारे में। तो जो RDI है, यानी कि रिक्वायर्ड डेली इनटेक, B12 का है 2.4 MCG, यानी कि माइक्रोग्राम्स। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने रिकमेंड किया है, जो कि काफ़ी रिकग्नाइज्ड बॉडी है US में। सो 2.4 MCG यानी कि माइक्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट है एडल्ट्स के लिए। यही रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड एंड सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए ये 2.6 MCG है और लैक्टेटिंग वेमेन के लिए ये 2.8 MCG है। नेक्स्ट हम बात करेंगे B12 के सप्लीमेंटेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं B12 के फंक्शन के बारे में। तो B12 हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फंक्शंस में। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा है। और जहां तक डेफिशिएंसी की बात करें तो इस पे मैं क्या ही बात करूं। अगर आप गूगल पे B12 या कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी देखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट आएगा कि ऐसा फील होगा कि अगले 2-3 दिन में मौत आने वाली है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें डेफिशिएंसी की साइड में जाना ही नहीं है, हमें अपने बॉडी में B12 को ऑप्टिमाइज रखना है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक होता है मिथाइल कोबालामिन और दूसरा होता है साइनोकोबालामिन। सो इनमें से आप कोई भी ले लो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इनफैक्ट डॉक्टर नील बर्नार्ड, जो कि लीडिंग प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट है, वो भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से आप कोई भी टाइप ऑफ सप्लीमेंट ले सकते हो। मेरा यहाँ पे बस एक छोटा सा सजेशन है कि जब भी आप B12 सप्लीमेंट लो तो किसी सप्लीमेंट स्टोर या ब्रांड से ना ले, रादर आप एक मेडिकल स्टोर से ले। उसके दो फायदे हैं। पहला कि एक मेडिकल स्टोर में ये आपको सस्ते पड़ेंगे, और दूसरा इंडिया में सप्लीमेंट इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा रेगुलेटेड है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल स्टोर में बेटर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी ब्रांड उठा सकते हैं। और एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आप डोसेज देखोगे अपने सप्लीमेंट का, अब उसके बॉटल के पीछे लिखा होगा या फिर अगर स्ट्राइप है तो उसके पीछे लिखा होगा, तो वो जनरली 250 MCG या फिर 500 MCG होता है। कुछ ब्रांड्स में वो 1000, 1500 या इवन 2000 MCG भी होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की और बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 2.4 MCG की, और जो ये सप्लीमेंट है ये 500 MCG पे मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि जो हम सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं उसमें से एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। तो इसके लिए जैसे कि हम 500 MCG ले रहे हैं तो उसमें से मोटा मोटी 10 MCG हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब होता है। तो अगला सवाल ये आता है कि अगर हम सिर्फ इतना से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो बॉडी में इतना सारा हम B12 डाल रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है वो, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जो भी एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो बॉडी आपकी फ्लश आउट कर देती है। इनफैक्ट इसका कोई टॉलरेबल अपर लिमिट भी प्रेस्क्राइब नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि 500 MCG वाले जो टैबलेट्स होते वो मैं अल्टरनेट डेज पे लेता रहता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं B12 के टेस्ट के बारे में। तो इंडिया में इसकी कॉस्ट है तकरीबन 1000 से 1500 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप कहां से करवा रहे हो। एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा अनकॉमन टेस्ट है, तो हर जगह में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने साइड से पता करना पड़ेगा कि आपके सिटी में जो भी लीडिंग पैथोलॉजी सेंटर है वो B12 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और तीसरी जो चीज़ है वो है B12 का जो रेंज होता है, जो कि प्रेस्क्राइब रेंज है, वो है 200 से 900 PG per ml,
पीजी का फुल फॉर्म होता है पिकोग्राम्स, जो कि बहुत ही छोटा यूनिट होता है मेजरमेंट का, जिसकी वजह से ये टेस्ट थोड़ा सा कठिन हो जाता है एंड दैट इज द रीजन कि ये हर जगह में अवेलेबल नहीं होता है। और जहां तक सवाल है कि B12 टेस्ट हमें कितना फ्रीक्वेंटली करवाते रहना चाहिए, तो अगेन इसका कोई प्रेस्क्रिप्शन या रिकमेंडेशन एज सच नहीं है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टिप्स दिए थे वीगन्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर न्यू वीगन्स, उसका कहीं कार्ड लिंक यहाँ पे आ जा रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि B12 टेस्ट एक बार स्टार्टिंग में अगर आप वीगन बनने का सोच रहे हो तो एक बार तो उसी मोमेंट पे करवा लो, क्योंकि तब आपको अपना B12 का बेसलाइन पता चल जाएगा। इनकेस अगर आपने नहीं करवाया है तो आप अभी भी करवा सकते हो, बस आपको इतना इंश्योर करना है कि जब भी आप करवा रहे हो आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो, यानी कि आप वेकेशन या स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हो, उस लाइफस्टाइल पे हो जिसको आप इन जनरल थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हैं। सो दैट बीइंग सेड, अब डिस्कस करते हैं मेरे B12 के रिजल्ट के बारे में। तो मैंने अपना B12 का टेस्ट करवाया था डॉक्टर लाल पैथलैब से, और जो कॉस्ट मुझे पड़ा था वो था 1400 रुपीज, बट उसमें B12 और D3 दोनों इंक्लूडेड था, और मेरा जो रिजल्ट आया था वो था 267 PG पर ML, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा कि इस टेस्ट को करवाने से पहले, ये टेस्ट मैंने बाय द वे जनवरी ऑफ 2021 में कराया था, एंड इस टेस्ट को करवाने से पहले मैं B12 कंज्यूम नहीं कर रहा था फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 month, उससे पहले कर रहा था लेकिन वो एक महीना मैंने गैप दे के रखा था और तब मैंने ये टेस्ट करवाया था। और मैं अपना अगला टेस्ट करवाने वाला हूँ सेप्टेम्बर में, जिसमें कि मैं B12 भी टेस्ट करूंगा और अपने बॉडी के कुछ और भी विटामिन लेवल्स चेक करूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपना प्लान बेस्ड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन चालू करने वाला हूं। सो आई होप ये वीडियो देख के आपको कुछ वैल्यू मिला हो, अगर हाँ तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने B12 टेस्ट करवाया है कि नहीं, और अगर हाँ तो आपका B12 लेवल कितना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इस चैनल में मैं वीगनिज्म और एथिक्स रिलेटेड वीडियोज बनाता रहूंगा, एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम, नमस्ते। और एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है, अरे यार इतना मुश्किल होता है इन सब टाइम में बनाना वीडियो, बच्चा गा रहा है, हॉर्न बज रहा है।